हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप देख रहे हैं मंजू वर्मा इज माय वे। सो आज का मेरा वीडियो है एक स्पाइसी चने। सो ये आपको खाली पैन ले लेना है, उसमें कुकिंग ऑयल, मैंने एक छोटा मध्यम साइज का प्याज लिया है और एक मिर्च लिया है गाइस। तो इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप इसमें और मिर्च ऐड कर सकते हैं। रेड चिली मैं यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज गाइस वो आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। रेड चिली से अच्छा है कि आप ग्रीन चिली यूज़ करें अपने खाने में, वो ज़्यादा ही बेनिफिशियल होती है, मतलब हार्म नहीं करती आपकी बॉडी के लिए। रेड मिर्च आपको बहुत हार्म करती है। तो ये गाइस इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे, थोड़े से ये ब्राउन में हो जाएंगे। सो ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, आपके घर में कोई मेहमान आ जाते हैं गाइस तो आप इजली से बना सकते हैं। ये नहीं है कोई तामझाम वाली चीज़, ये प्याज मिर्च और टमाटर तो सबके घर में होता है, चने भी मोस्टली सबके घर में ही होते हैं क्योंकि बहुत से लोग मॉर्निंग में खाते हैं। तो यह इसे अच्छे से कर लेना फ्राई और फिर मैं डालूँगी इसमें एक टमाटर, उसे कट करके फिर इसमें डाल दूँगी ताकि ये, क्योंकि हमारी प्याज थोड़ी ब्राउन हो गई है, एकदम ब्राउन नहीं करनी है क्योंकि ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी तो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, तो उतना ही ब्राउन करना है जितना कि ये हो जाए। तो इसे डालने के बाद इसे हम अच्छे से गाइस मिक्स करेंगे। हमने डाल दिया थोड़ा सा नमक ताकि जल्दी गल जाए। अगर आप कभी खाना बनाते किसी भी तड़का लगाते हैं तो आपकी प्याज और मिर्ची, प्याज सॉरी मिर्च कह रही हूँ मैं, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, आप उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं गाइस तो वो जल्दी ही गलने लग जाता है। तो आपका टाइम की बचत भी हो जाती है गाइस और पक भी जाता है जल्दी झटपट। तो मैंने नमक डाल दिया, देखो कितना स्मोक निकल रहा है इसमें क्योंकि अच्छे से मैं मतलब जिससे मिक्स करते हैं जो अच्छे से टमाटर को दबा कर दूँगी ताकि जल्दी से ही गल जाए और मेरी रेसिपी जल्दी ही रेडी हो जाए फिर झटपट बनने वाली है। तो इसे अच्छे से मतलब गल जाए ना तभी इसका टेस्ट आएगा। अगर आपको पसंद नहीं है आप टमाटर को स्कीप कर सकते हैं, इसकी जगह टमाटर कैचअप डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट अच्छा आएगा। तो अब मैं डाल रही हूँ सेजवान चटनी गाइस। तो इसे मैं क्योंकि थोड़े से चने बनाऊँगी तो इसे मैंने 2 बड़े चम्मच लिया है। इससे इसमें मतलब कहते हैं ना वो चार चांद वाली लगने वाली चीज़ टेस्ट आ गया तब ज़बरदस्त। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और इसे अच्छे से कल ज़्यादा देर नहीं इसे वो करना है, नहीं तो गाइस क्या होगा ना जिससे सॉस होती है तो इसे ज़्यादा देर फ्राई नहीं करते क्योंकि वो जलने लग जाती है। तो बॉइल चने हम डाल देंगे गाइस और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इतने से ही चने बनाए थे इसलिए मैंने एक टमाटो और एक छोटी प्याज और एक हरी मिर्च ली थी। अगर आप ज़्यादा बनाते तो उसी अकॉर्डिंग उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। बस इसे कर लेना है अच्छे से मिक्स। तो ये मैंने इस टाइम बनाया तो मेरे घर में कोरिएंडर नहीं थी, यानी कि धनिया आपके घर में हरी धनिया है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें आप बनने के बाद थोड़ी सी हरी धनिया डाल दीजिए, चाट मसाला डाल दीजिए और इसका टेस्ट देखिए। अब मैं डालूँगी गाइस इसमें सोया सॉस क्योंकि वैसे आप सबके साथ शेयर कर दे थे ये वीडियो क्योंकि बहुत टेस्टी बने थे ये चने। तो इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हमने देखो सोया सॉस डाला है गाइस, इसे ना थोड़ा सा अगर आप इसमें नमक अगर सोया सॉस ऐड करते हैं तो गाइस मेक श्योर इसमें आप थोड़ा नमक कम डालें क्योंकि सोया सॉस थोड़ा सॉल्टी होता है जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि नमक ज़्यादा हो जाए। तो इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स, देन बन जाएंगे आपके ये चटपटे चने। आप चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं, अगर नहीं तो आप ऐसे भी इसे ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगेगा गाइस। तो या आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूले गाइस। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉचिंग।